हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फोर क्लास सिक्स, विषय हिंदी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 8 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है। तो बेटा आप अपनी जो वसंत जो पुस्तक है उसको आप साथ साथ जो है इसको पढ़ सकते हो। यह एक एकांकी पाठ है। तो बेटा ये कैसा है, ये एक एकांकी पाठ है और पाठ का नाम क्या है, ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ क्या होता है, यानी एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य काव्य या नाटक। तो बेटा आप क्या कह सकते हो कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, यानी पूरा का पूरा नाटक एक ही दृश्य में पूरा हो जाए, आप इसको, जो नाटक होता है ना, नाटक वो तो एक बहुत मतलब बड़ा होता है, लेकिन जो एकांकी होगा वो नाटक का एक लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। ठीक है, जिसमें एक ही सीन में पूरा नाटक, एक तरह से पूरा नाटक हो जाए, वो क्या कहते हैं, उसको हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक एकांकी है, यानी एक ही दृश्य है। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर। तो इनके लेखक कौन है ऐसे ऐसे नामक पाठ के, वो हैं विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो ये पाठ तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी स्कूल ना जाने के बहाने ज़रूर बनाए होंगे। तो इसमें आपने कभी ऐसे बहाने बताए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चे जो है वो कैसे कैसे बहाने बनाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बड़े बहाने बनाते हैं, कभी हमारे पेट में दर्द है, कभी हमारे सिर में दर्द है, जिनको स्कूल नहीं जाना होता, ऐसे बच्चे बड़े शरारती होते हैं जो इस तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। तो इसमें कौन से पात्र हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए पहला है पात्र परिचय, मोहन। मोहन क्या है, एक विद्यार्थी है बेटा, जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, मोहन, और यही जो है स्कूल ना जाने के अलग अलग बहाने बनाता है। दूसरा देखिए दीनानाथ कौन है, दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं। माँ, वो मोहन की माँ है। पिता, मोहन के पिता हैं। मास्टर, वो मोहन के मास्टर जी हैं, टीचर हैं। ठीक है, वैद्य जी हैं और डॉक्टर हैं, और एक जो है उनमें क्या है, पड़ोसिन है। तो ये सारे जो है पात्र परिचय हैं। उसके बाद देखिए अब हम अपना जो एकांकी है वो शुरू करेंगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। तो बेटा सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट जो है उसका दृश्य दिखाया गया है, उसमें बैठक का दृश्य, जहाँ पर सब इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, उस बैठक का दृश्य दिखाया गया है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा रसोई घर में। तो इस तरह से दिखाया गया है कि दरवाज़ा एक सड़क वाले, जो सड़क की तरह बरामदा है उसमें खुलता है, दूसरा अंदर वाले कमरे में, और तीसरा दरवाज़ा उसका सीधा कहाँ खुल रहा है, रसोई घर में खुलता है। वहाँ पर जो अलमारियाँ रखी हैं उनमें पुस्तकें लगी हुई हैं। एक और जो है रेडियो का सेट जो है वो है, और दो छोटे तख्त हैं। ठीक है, दो और क्या लगे हुए हैं, छोटे तख्त लगे हुए हैं। तख्त यानी बेटा जो तख्त होते हैं वो जिस तरह बिल्कुल प्लेन जो है आप कह सकते हो जो बेड होता है उसी तरह के जो है तख्त होते हैं, बस वो बिल्कुल उसमें ऐसे स्टोरेज नहीं होती, तो वो उस तरह के तख्त होते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, जिन पर क्या बिछाए गए हैं, गलीचे बिछाए गए हैं। उसके बीच में कुर्सियाँ डली हैं, एक छोटी मेज भी है और उस पर एक फोन रखा हुआ है। ठीक है, अब जब पर्दा उठता है यानी नाटक शुरू होता है, और नाटक शुरू होने से क्या होता है बेटा, एक पर्दा जो है उठता है ना, तो पर्दा उठने पर क्या दिखाया गया है कि मोहन जो है वो एक तख्त पर लेटा हुआ है। ठीक है, 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। तो मोहन की उम्र कितनी है, 8-9 वर्ष के लगभग। तीसरी क्लास में वो पढ़ता है, इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी उसको बड़ी बेचैनी जो है महसूस हो रही है,
बार बार पेट को पकड़ता है, वो बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। तो मोहन को यानी उसको देखकर लगता है कि उसके शायद पेट में दर्द है, बार बार पेट को पकड़ता है। तो बेटा अब यहाँ पर इतना ही दिया गया है, आगे जो है हम अगली वर्कशीट में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त जो है वो है लगे हुए हैं, जिन पर क्या बिछे हैं, गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है और उस पर फोन रखा है। तो बेटा इस बैठक की पूरी तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर बनानी है। सो बच्चों आपको यहाँ पर अपनी जो ड्राइंग है उसका हुनर दिखाना है कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको चित्र दिखाया गया है, दृश्य बताया गया है, उसके अनुसार ही आपको अपनी ड्राइंग शीट पर ये इस तरह बैठक की पूरी तस्वीर जो है वो तस्वीर बनानी है और अपनी टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, सुंदर तरीके से बैठक बनानी है, किस तरह दरवाजे खुलेंगे, अलमारी बना के उसमें पुस्तकें लगानी है, एक और रेडियो का सेट रखना है, छोटे छोटे दो और जो है दो छोटे छोटे तख्त रखने हैं जिन पर गलीचे बिछा के दिखाने हैं, बीच में कुर्सियां लगानी है, एक छोटी मेज लगानी है और उस पर एक फोन को भी रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको ये क्लियर है, इसमें याद करने का तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, आपको ये तस्वीर बना के अपनी टीचर को सेंड करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।